अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मदद के मसीहा मिटा रहे मजदूरों की भूख। लॉकडाउन में ग्रीन मार्ट आर्मी और वॉरियर टीम बांट रही भोजन। 17 दिनों से मुंबई में जारी लॉकडाउन से औद्योगिक क्षेत्र के हजारों मजदूर भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन मजदूरों के लिए मदद का मसीहा बन रहे हैं। साई प्रेम ग्रीन मार्ट आर्मी 4 नौजवानों का एक ऐसा ही ग्रुप है जो अब तक कोपरखेरने, घनसौली और महाफे समेत MIDC के कई इलाकों में 10,000 से अधिक लोगों का पेट भर चुका है। टीम के मुखिया भगवती पगारिया ने कहा कि लोक नेता गणेश नाइक ने लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद और सेवा का आह्वान किया था, जिससे प्रेरित होकर वे हर दिन 540 फूड पैकेट बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट और औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर मजदूरों तक पहुँचाते हैं ताकि उनकी भूख मिट सके। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन से आह्वान किया लॉकडाउन का, उसी दिन से हमारे लोकप्रिय लोकनेते आदरणीय गणेश जी नाइक साहब ने भी आह्वान किया कि अपने यहाँ जो भी गोर गरीब है उनका ध्यान रखे, उनकी भोजन की व्यवस्था करवाए और भी उन्हें कुछ जरूरतमंद चीजें हो वो उन्हें दिलावे और अपना प्रिकॉशन लेते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए यह कार्य करे और जहां भी जरूरत लगे वहां पर आप जाकर उन्हें भोजन की व्यवस्था करवावे और कुछ चीजें हो उनको जिस चीज की जरूरत हो आप दिलावे और NMMC द्वारा जो सैनिटाइजिंग हर एरिया में करवाई जा रही है वो नवी मुंबई में बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है और पुलिस प्रशासन की पूरी मदद हमें मिल रही है और हॉस्पिटल वाइज भी कोई है तो उन्हें भी हम बता रहे हैं डॉक्टर कहाँ पे है क्या है ये सभी चीजें उनको बता रहे हैं जिनको नहीं मालूम है। और दादा ने जिस दिन से आह्वान किया है उसी दिन से हम इस सेवा के कार्य में लगे हुए हैं और आगे जहां तक जरूरत होगी और जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी हम सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आदरणीय गणेश जी नाइक साहब दादा का आह्वान हमारे लिए आदेश है। मुंबई में भगवती पगारिया की ही तरह मशहूर एडवोकेट रमेश त्रिपाठी और बेलापुर के महेंद्र आर्य की वॉरियर टीम भी मजदूरों, सफाई कर्मियों, भिखारियों और यहां तक कि पुलिस और मनपा कर्मियों की सेवा में जुटी है। रोजाना राशन और रोटियां बांटी जा रही हैं। महेंद्र आर्य बताते हैं कि जिनका कोई नहीं है ऐसे लोगों को जरूरत के समय मदद करना ही तो इंसानियत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इंसानियत की यह सेवा लॉकडाउन तक लगातार जारी रखेंगे। 20 तारीख से रोज नॉन स्टॉप कर रहे हैं और हम एक ही बात कहते हैं कि प्रभु जो रक्षा कर रहे हैं सबकी उनकी भी रक्षा करे और हम इनसे कह रहे हैं रोज कि हमारे लिए कोई भी सेवा हो 24/7 हम लोग तैयार हैं इनकी सेवा करने के लिए। हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा सेवा। तो हमें आपसे भी अपेक्षा है कि आप भी सपोर्ट करें, गवर्नमेंट का भी, इन लोगों का भी और इन लोगों का सबका एक वो होना चाहिए कि इनकी सपोर्ट के लिए कोई है यहाँ पर। बस मैं इतना कहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।